जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ बिलासपुर के रतनपुर से खबर, जहां धर्मनगरी में बीते दिन माहौल बेहद अशांत नजर आया, जहां 500 से भी अधिक लोगों ने रतनपुर थाने का घेराव किया। दरअसल बिलासपुर में रेप पीड़िता के आरोपी के घर का मेन गेट तोड़ करके उग्र भीड़ घुसकर नारेबाजी कर रही है। इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। फोर्स प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले में रतनपुर में पुलिस की संदिग्ध कार्यप्रणाली से नाराज होकर रतनपुर बंद का आह्वान किया गया। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद एसपी संतोष सिंह ने रतनपुर टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। भारी मात्रा में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। एडिशनल एसपी सिटी राघवेंद्र जायसवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जो कि ग्रामीण है राहुल देव शर्मा, इनके नेतृत्व में एक दल का भी गठन किया है। इस टीम में एसडीओपी कोटा सिद्धार्थ बघेल और निरीक्षक परिवेश तिवारी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो न्यायिक जांच की मांग यहां पर उठाई गई है। रतनपुर में रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने के बाद उपजे तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए शांत करने के लिए एसपी राजेंद्र जायसवाल रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। सीएम भूपेश बघेल के विधायकी वाले क्षेत्र में भरोसे का सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां पाटन में हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय के भवन का भूमि पूजन, साथ ही शैलजा महंत और ताम्रध्वज साहू सहित साथी गुरुरुद्र कुमार इस मंच पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में बीते दिन भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां स्पीकर चरणदास महंत, कुमारी शैलजा समेत मंत्री ताम्रध्वज साहू और गुरुरुद्र कुमार की मौजूदगी में आयोजित किए गए इस सम्मेलन में भूपेश बघेल ने 443 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पिछले साल बेचे गए धान की पहली किस्त बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि भरोसे के सम्मेलन सबसे पहले मुंगेरी जिले के सरगांव में 25 मार्च को हुआ, जहां सभी लोग थे। लाखों की तादाद में किसान मजदूर नौजवान वहां पहुंचे थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देश का नेतृत्व किया और उन्होंने योगदान कभी नहीं उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे सबसे नौजवान प्रधानमंत्री रहे, देश की सेवा में पूरा जीवन और अखंडता के लिए अपनी जान गंवा दी, उन्हें सत सत नमन करता हूं। ये बातें बोल करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के भर्ती परीक्षाओं को लेकर खबर, जहां छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों पर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाने थे 20 मई से, लेकिन इस बार जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि फिलहाल इस भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाता है। इसके पहले 500 पदों पर भर्ती हेतु पीएससी ने विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन भरे जाने थे, पर पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय किया है। लोक सेवा आयोग के आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के कुल 500 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन 13 मई को जारी किया गया था और 17 मई को विज्ञापन प्रकाशित कराए गए थे। इस बार तीसरी बार भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के मामले में राहत मिलने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को किया जा रहा है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो भर्ती परीक्षा आएगी छात्रावास अधीक्षक की, तकरीबन 800 से 900 पद आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोल पंप से लेकर के शराब दुकानों में अब 2000 रुपए के नोट खपाए जा रहे हैं, जैसे ही आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद से लगातार बाजार में 2000 रुपए के नोट खुलकर आने लगे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया है, जिसको लेकर अब धीरे धीरे कारोबारी और आम लोग अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की भी है जिनके पास 2000 के नोट है ही नहीं, क्योंकि ये नोट बाजार से महीनों पहले गायब हो चुके थे। आरबीआई ने इन्हें छापना बंद कर दिया था, मगर गायब होकर यह नोट कहीं ना जाए जमाखोरों के पास मौजूद थे। और ऐसे में रायपुर के पेट्रोल पंप से लेकर के ज्वेलरी शॉप और शराब की दुकानों में इन नोटों को खफाने का काम इन दिनों धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं बीते दिन की बात करें तो जहां पर हालात जो है यहां पर एकदम संवेदनशील नजर आए, शराब दुकानों में ही कुछ ऐसे ही होते दिखाई दिया। इसके अलावा तात्यापारा स्थित प्रीमियम शराब की दुकान में लोगों ने बड़ी तादाद में 2000 रुपए के नोट शराब खरीदे हैं। इसके अलावा
दुकान में भी काम करने वाले कर्मचारी भी इसमें अपना मुनाफा ढूंढ रहे हैं और दुकान में आए 2000 रुपए के नोट को कमीशन एजेंट को सौंप रहे हैं। इसके अलावा अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं। विवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ पीएससी ओएमआर सीट की कॉपी आप लोगों को दिखाया जाएगा और इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये एक अच्छी राहत वाली खबर है शिक्षार्थियों के लिए, जहां पर रायपुर के राज्य सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा 2021 को लेकर उठे विवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला किया है। सीजीपीएससी अब अभ्यर्थियों को उनके सीजीपीएससी अकाउंट में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की ओएमआर सीट उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीजीपीएससी के परीक्षक नियंत्रक की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को लगातार अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओएमआर सीट दिखाई जाएगी। अभ्यर्थी एक निश्चित अवधि के लिए अपने लॉगिन अकाउंट में जाकर ओएमआर सीट को देखने या डाउनलोड करने के लिए लिंक भी प्राप्त कर सकेंगे। वही सीजीपीएससी ने 11 मई को चयन सूची जारी की थी, जिसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर चयन सूची पर सवाल उठाए थे और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी समस्या ये है कि एनीमिया मुक्त अभियान बेअसर होता नजर आ रहा है। 4 माह के दरमियान तकरीबन 16,000 से अधिक नए केसेस मिल चुके हैं। दरअसल खबर आ रही है कि 4 साल से एनीमिया मुक्त अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, फिर भी एनीमिया के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। अगर अकेले महासमुंद जिले की बात करें तो यहाँ पर 16,018 महिलाएं एनीमिया से पीड़ित पाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2019 में एनीमिया व कुपोषण को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी, जिसके सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2023 के मार्च में यूनिसेफ की एक बैठक में 5 संकल्प लिए गए थे। इसमें एनीमिया से मुक्त का भी यहां पर संकल्प लिया गया था। बावजूद इसके एनीमिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में 15,000 महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। वही स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तरह तरह के सुपोषण अभियान, पूरक पोषण अभियान, गर्म भोजन व फोर्टिफाइड चावल वितरण जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एनीमिया कम होता नजर नहीं आ रहा है। रायपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे की तस्वीरें इतनी विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अज्ञात वाहन को, बाइक को जो है एक वाहन ने टक्कर मार दी, अज्ञात वाहन ने, जिसकी वजह से भाई बहन और भांजे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और मां का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। दरअसल रायपुर से लगे धरसीवा इलाके में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। रायपुर बिलासपुर हाईवे में धनेली साकरा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को दिया। मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। सिलतरा चौकी से जांच अधिकारी कामता सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर पंडरे निवासी वासु तांडी अपनी मां फूलमती टांडी, इसके अलावा बहन दोहना कुमार और भांजे निहाल कुमार को लेकर धरसीवा के लिए निकला था। ये 4 लोग एक ही बाइक में सवार थे और अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने 1500 लोगों को फिल्म दिखाई, कहा महिलाओं के लिए ये फिल्म प्रेरणादायक है। शहीद स्मारक को लेकर के इन्होंने बयान किया कि अमर वाटिका के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। दरअसल खबर रायपुर से, जहां पर द केरला स्टोरी को लेकर बंगाल में बवाल मचा हुआ है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी सीएम भूपेश बघेल से टैक्स फ्री करने का मांग किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगा दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया है और अब इस फिल्म को देखने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत पहुंचे और उन्होंने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फिल्म दिखाई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ मिलकर इस फिल्म को तकरीबन 1500 लोगों ने थिएटर में देखा। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि महिलाओं के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है, ये फिल्म प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखने वाले को साधुवाद भी कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 25 मई को झीरम हमले में शहीद हुए नेताओं को कांग्रेस सरकार श्रद्धांजलि देने वाली है और इस मसले को लेकर भी पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हमला किया।
व्यापम की भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नई वेबसाइट तैयार हुई है। बिना ऑफिशियल साइट पर जाए सीधे URL को क्लिक करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए बंपर भर्तियां निकाली गई हैं और बड़ी संख्या में नौकरियों के आवेदन और प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने वालों की उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई है और इस वजह से व्यावसायिक परीक्षा मंडल का सर्वर बड़ी परेशानी झेल रहा है। आलम यह है कि बार बार एरर आने की वजह से अभ्यर्थियों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी कि चिप्स ने इसका हल ढूंढ निकाला है। व्यापम की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए चिप्स की ओर से एक अलग वेबसाइट बनाई गई है जिसमें सर्वर डाउन होने की दिक्कत नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि ये वेबसाइट बिना किसी समस्या के बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आवेदक बिना व्यापम की वेबसाइट पर जाकर सीधे इस URL को क्लिक करके व्यापम की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरी और दुर्ग एक्सप्रेसवे में बड़ी आग लग गई। यात्रियों में भगदड़ मचती नजर आई और कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दरअसल ओडिशा के पुरी से चलने वाली पुरी दुर्ग एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18425 में दो बार आग लगने की वजह से यात्रियों में भगदड़ सी मच गई। बीती शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास डिस्क ब्रेक जाम होने के कारण AC कोच के नीचे आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। सभी यात्री नीचे उतरे, इसके बाद से आग को बुझाया गया। ट्रेन आग बुझने के बाद दोबारा चली तो 4 किलोमीटर के बाद इसमें एक बार फिर से आग लग गई, जिसके चलते एक बार फिर से यात्रियों में भगदड़ सी मच गई। आग लगने से घबराए यात्री ट्रेनों के नीचे उतर आए और इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दूसरी बार ट्रेन स्टेशन से काफी दूर जंगल के इलाके में जाकर रुकी। इस बीच यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने में भी परेशानियां हुई। रायपुर में सानू दा ने तुम देना साथ मेरा गाने को गुनगुनाया। 90 के दशक से हिट गानों से पूरा इंडोर स्टेडियम गूंजता नजर आया। दरअसल रायपुर में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू पहुंचे। इंडोर स्टेडियम में उन्होंने अपने फेमस गानों की लाइव परफॉर्मेंस दी। 90 के दशक के गानों को सुनना रायपुरियंस के लिए एक एक्साइटमेंट भरा मौका रहा, जहां बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचकर कुमार सानू की आवाज़ में प्यार इश्क मोहब्बत के यादगार गीत सुनते नजर आए। अवार्ड वापसी के किस्से का सच भी उन्होंने लोगों को आया। कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब कुमार सानू ने स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के साथ गाना गाया। उन्होंने बेहद जो यहाँ पर फेमस फिल्म है उनके फेमस जो गाने हैं जो 90s के दशक में बेहद फेमस रहे, उन गानों को लोगों के साथ गुनगुनाया। शराब घोटाले के खिलाफ दुर्ग में चक्का जाम आयोजित हुआ, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रदेश में शराबबंदी न करने और 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के खिलाफ दुर्ग जिले की भाजपा महिला मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भाजपा महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पैदल मार्च किया। इसके बाद दुर्ग के पटेल चौक में चक्का जाम करके प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ में पूर्व शराबबंदी करने और हजारों करोड़ों रुपए के शराब घोटाले करने के खिलाफ महिला मोर्चा ने बीते दिन मोर्चा खोला। भाजपा महिला मोर्चा सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोपहर 3 बजे भाजपा जिला कार्यालय में एकत्रित हुए। इसके बाद शाम 4 बजे के बाद पोस्टर और बैनर के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित भवन का घेराव किया। 19 साल बाद गोलापल्ली के लोगों ने MLA को देखा। मंत्री बनने के बाद हेलीकॉप्टर से नक्सलगढ़ के गांव पहुंचे लकमा तो इनको देखने के लिए बेहद भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा का एक ऐसा गांव है जहां लोगों ने 19 साल बाद अपने MLA को देखा है। खास बात यह रही कि इस गाँव में ना तो चुनाव प्रचार हुआ और ना ही पार्टी प्रत्याशी ग्रामीणों से मिले, लेकिन फिर भी गाँव वाले ने हर बार चुनाव में कांग्रेस के कवासी लकमा को ही जिताते चले आए हैं। उम्मीद थी कि एक दिन वे गांव जरूर आएंगे और अब जब कवासी लकमा मंत्री बने तो 19 साल बाद पहली बार नक्सलगढ़ के गांव हेलीकॉप्टर से पहुंचे। अपने MLA को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोलापल्ली गांव पूरी तरीके से नक्सलियों के कब्जे में था। खूंखार नक्सली रमन्ना हिड़मा समेत कई बड़े नक्सली लीडर्स यहां सक्रिय थे। इस गांव तक पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से सीधी सड़क भी नहीं है, लेकिन चुनाव जरूर होता है। हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी गांव जाती है और वोटिंग के बाद एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से मुख्यालय लौट आती है। अंतिम बार साल 2004 में कवासी लकमा कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के साथ गोलापल्ली गांव गए हुए थे।
और अब अंतिम खबर, जहां दलपत सागर में 2000 बैक्टीरियल ई बॉल डाला गया, जहां जलकुंभी को खत्म करने के लिए एक नया प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित दलपत सागर से जलकुंभियों को नष्ट करने के लिए पहली बार बैक्टीरियल ई बॉल का प्रयोग किया गया है। बीते दिन कलेक्टर समेत प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तकरीबन 2000 बैक्टीरियल ई बॉल डालकर इस अभियान की शुरुआत की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि दलपत सागर से जलकुंभियों को जड़ से सफाया करने के लिए तकरीबन 260,000 ई बॉल का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि इससे दलपत सागर पूरी तरीके से जलकुंभियों से साफ हो जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें।